नमस्ते, सभी को नमस्कार। यह अपन स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। बिफोर वी स्टार्टिंग 12th क्लास अकाउंट, अपन 11th के अंदर क्या पढ़ के आए उसका हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि 12th की अकाउंट हमेशा 11th की अकाउंट के बेसिस पर चलती है। 11th के अंदर अपन एक इंडिविजुअल की अकाउंटिंग को कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में डिटेल अपन नॉलेज लेके आए हैं। अब 12th के अंदर आने से पहले अपन को 11th के अंदर क्या पढ़ा था उसका एक हल्का सा रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बेसिक इंट्रो में अपन ये देखेंगे कि अपन ने 11th के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद उसकी जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, एंट्रीज के साथ में अपन सब्सिडीज बुक्स को मैनेज करते हैं और फिर उनकी लेजर्स क्रिएट करते हैं, और लेजर के बाद में अपन उन्हीं टोटल वन ईयर के जो लेजर्स में अकाउंटिंग हो रखी है, एंट्रीज हो रखी है, उनसे अपन ट्रायल बैलेंस से अपन मैथमेटिकल एरर्स को कैलकुलेट करते हैं। देन कोई रेक्टिफिकेशन हो जाता है तो रेक्टिफिकेशन भी करने की कोशिश करते हैं। अब रेक्टिफिकेशन के बाद में अपन फाइनल अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिसमें अपन ट्रेडिंग अकाउंट में अपन ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, हो सकता है ग्रॉस लॉस होता है अपन देखते हैं उसमें। देन अपन प्रॉफिट एंड लॉस में मूव कर जाते हैं, और जो ग्रॉस प्रॉफिट हो रखा है डायरेक्ट बिजनेस से, उनको अपन इनडायरेक्ट एक्टिविटी जो बिजनेस में हुई है उनके साथ एडजस्ट करते हैं, जिसमें एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस में अपन बुक करते हैं, एंड इनडायरेक्ट इनकम को अपन प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद देन वो पूरा का पूरा प्रॉफिट कौन ले जाता है, तो कि इंडिविजुअल है, एक ही ऑनर है, तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट अपनी कैपिटल के अंदर वो ऐड कर लेता है इंडिविजुअल। फिर अपन क्रिएट करते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में अपन सबसे मेन हेडिंग देखते हैं अपनी लायबिलिटीज साइड में, जिसमें कैपिटल जो इंटरनल लायबिलिटीज कहलाते हैं, एंड देन एक्सटर्नल लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज के आधार पर अपन टोटल करते हैं। देन वो टोटल मैच हो जाती थी किसके साथ, अपनी एसेट के साथ में। तो क्या एसेट कौन कौन सी होती थी, तो क्या फिक्स एसेट में दो, टेंजिबल इनटेंजिबल, देन इन्वेस्टमेंट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड द करंट इन्वेस्टमेंट। देन अपन और देखते थे करंट एसेट जो 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ में होते हैं, वो करंट एसेट हो जाते हैं। इसके साथ में अपन उसके कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट में अपन डेप्रिसिएशन का पूरा एक बड़ा सा चैप्टर पढ़ देते हैं, जिसमें अपन प्रोविजन क्यों क्रिएट करते हैं उस प्रोविजन के बारे में पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन कितने अकाउंटिंग मेथड है उनके बारे में पढ़ते हैं, जो अपन एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन अपन उस 11th क्लास में करके आए हैं। हो सकता है इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों ने कुछ चैप्टर्स नहीं कर रखे हो 11th के, तो मैं मानता हूँ कि आप हमारे लोगों द्वारा दिए गए वीडियो से आप लोग उन चैप्टर का हल्का से रिवीजन करके आए, जिससे 12th की अकाउंट आसान हो जाएगी। मेरा यहाँ पूरा का पूरा फोकस ये है कि अपन मूव ऑन करने जा रहे हैं 11th से 12th पर। ये ऐसे बंदे कोई भी नहीं होगा जो मतलब ये डायरेक्ट 12th का कोई लेक्चर देख रहा होगा। मैं मानता हूँ कि 11th का बेसिक पूरा आपके कंप्लीट है, देन आप 12th की अकाउंटिंग के अंदर या अकाउंट के लेक्चर्स देखने आए हुए हैं। अपन यहाँ डिस्कस करेंगे कि 11th के अंदर अपन ने जैसे सब्सिडीज बुक्स के अंदर कैश बुक भी मैनेज की, जो सबसे मेन बुक और सब्सिडीज बुक दोनों का ही काम करती थी। देन अपन ने ये भी देखा कि इन कॉन्ट्रा एंट्रीज के कारण कुछ एरर्स रह जाते थे, कुछ अपन कहते हैं कि कुछ ओमिशंस वगैरह हो जाते थे, उसमें अपन डिटेल ना भी चेक इश्यू कर दिया लेकिन प्रेजेंट नहीं हो पाया, कलेक्टेड कर दिया, इंटरेस्ट चार्ज किया,
इंटरेस्ट रिसीव किया, कुछ अकाउंटिंग टाइमिंग गैप के कारण या किसी अदर रीजन के कारण रह जाती थी, जैसे अपन ने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में कवर किया था और अपन ने उनका बैलेंस मैच करवाने की कोशिश की थी कि कैश बुक के अंदर जो अपना बैंक का बैलेंस आ रहा है वो का वो क्या बैंक वाला वो का वो कोट कर रहा है नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा है तो अपन उसको मैच करवाते थे किससे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से। अब अपन यहाँ मूव करते हैं कि ट्वेल्थ के अंदर क्या होने वाला हमारे साथ, तो कुछ खास बड़ी आफत नहीं आने वाली, मैं मान के चलूँगा कि ट्वेल्थ की अकाउंट बहुत सिंपल है अगर अपन उसी वे में ट्रीट करें, क्योंकि ट्वेल्थ के अकाउंट के अंदर आपको वही फंडामेंटल्स जो आपने इलेवंथ में यूज़ किए वो काफ़ी कुछ है, लगभग मैं मानता हूँ 60% चीज़ें इलेवंथ की या यूज़ होने वाली है, और आप जो इलेवंथ की चीज़ें अगर अच्छे से मैनेज कर पाए थे तो यह आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। मैं ट्वेल्थ का तुम्हारा पूरा का पूरा एक चैप्टर रिव्यू करवाने वाला हूँ कि ट्वेल्थ में आखिर कितने चैप्टर हैं, क्या पढ़ने वाले हैं अपन, तो एक चार्ट मैंने क्रिएट किया है जो अपन यहाँ देखने वाले हैं कि ट्वेल्थ की अकाउंट में आपका 80 मार्क का पेपर होता है, उस 80 मार्क के पेपर के अंदर आप लोग तीन चीज़ें देखेंगे जिसमें पार्टनरशिप, कंपनी एंड कुछ स्पेशल चैप्टर इसने कवर किए हैं ट्वेल्थ की अकाउंट में। इलेवंथ और ट्वेल्थ की सारी अकाउंट की चीज़ें लगभग लगभग सीए में और आपके सीए फाउंडेशन के अंदर लगभग कवर होती है, कुछ चैप्टर्स का डिलीशन एडिशन कर सकते हैं अपन, अदरवाइज सारे चैप्टर यहाँ कवर हो जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो ऑलरेडी सीए सीएमए की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है कुछ इस पढ़ाई के अंदर आने के लिए, तो ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्प करेगा अच्छे से लेवल से हेल्प करेगा। तो यहाँ मैं बोलूँगा कि पार्टनरशिप, कंपनी और स्पेशल चैप्टर के अंदर क्या कवर करने वाले हैं, तो पार्टनरशिप का लगभग 60-70% जो वेटेज है वो ट्वेल्थ क्लास के अंदर कवर हो रखा है, जिसमें इन्होंने बताया कि हम आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे जो इसने चार चैप्टर के अंदर डिवाइड किए हैं, बेसिक इंट्रो जिसके अंदर वेरियस पार्टनर्स की डेफिनेशंस, कुछ पार्टनरशिप एक्ट के जो रेगुलेशंस है उनके बारे में डिस्कशन किया है, कैसे पार्टनरशिप के अंदर एंट्रीज की जाती है एंड उनका अकाउंट कैसे मैनेज किया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट उनके बारे में इन्होंने बताया है, कैसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कैसे इंटरेस्ट पर आप जो विड्रॉल किया जाता है पेमेंट उस पर कैसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, कुछ गारंटेड पार्टनर क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। तो मतलब छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट को इन्होंने बेसिकली लगभग लगभग कवर करने की कोशिश की है। दूसरा जो दे रखा है आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अब ये मूव करने जा रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप के बारे में आपने नॉर्मली बेसिक इंट्रो ले लिया कि क्या होने वाला है, देन अगर कोई नया पार्टनर हो जाएगा तो क्या एडजस्टमेंट हो गए, तो ये वाला जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट अपन को पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें अपन को रेशियो, नया पार्टनर आएगा तो उसको कितना हिस्सा देना है, उसका हिस्सा कैसे ज्ञात करना है, देन गुडविल का कॉन्सेप्ट सबसे मतलब इंटरेस्टिंग है, गुडविल गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ, देन अपन यहाँ कुछ कैपिटल्स कैसे लानी है, कुछ एसेट और लाइबिलिटीज को इंक्रीज डिक्रीज करने पर रिवॉल्यूशन, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन, बैलेंस शीट्स वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें कैसे एडजस्टमेंट किए जाएंगे, देन सारी चीज़ें इस एडमिशन वाले चैप्टर में कवर करेंगे। फिर मूव ऑन कर जाते हैं ये लोग, कभी रिटायर्ड हो जाए पार्टनर, क्योंकि मृत्यु एक साथ वो सत्य है, देन आप कहेंगे कि व्यक्ति मर भी सकता है, देन उसकी डेथ होगी तब अपन उसकी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट क्या करेंगे, और एक लिमिट होती है पैसे कमाने की, एक बिजनेस करने की, आराम करने की जिंदगी भी है, तो अपन कहेंगे तो वो रिटायरमेंट लेता है, रिटायरमेंट के दौरान कौन से एडजस्टमेंट किए जाएंगे, देन वो सारे डिस्कशन एडजस्टमेंट इसी चैप्टर में किए जाएंगे। लास्ट में आता है फॉर्म बंद करने की बारी है, अब लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको यहाँ दिखने को मिलेगी, डिजोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म, डिजोल्यूशन डिजोल्यूशन वर्ड्स बहुत सुनने को मिलेंगे, मतलब अपना शटर डाउन करने जा रहे हैं अपन लोग, सब कुछ खत्म हो गया, देन अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है पार्टनरशिप। मैं मानता हूँ कि इससे सिंपल और इससे इंटरेस्टिंग और कोई चीज़ हो नहीं सकती पढ़ने एकेडमिक सेशन के दौरान,
प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ का अपन एकेडमिक सेशन के साथ मिक्सअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ काफ़ी कुछ हद तक अलग होती है। अब अपन देखने जाएंगे कंपनी जो 32 मार्क की पूछी जाएगी, याद रहे 32 मार्क में मैं ये कह सकता हूँ एथिक्स वाला चैप्टर को थोड़ा बार कर दिया जाए तो 28 ओनली एंड ओनली कवर करता है कंपनी। कंपनी के अंदर कंपनी क्या है, कितनी प्रकार की कंपनीज होती है, कैसे क्रिएट करेंगे, इश्यू कैसे करते हैं शेयर्स, ये स्टॉक मार्केट वगैरह में शेयर की लिस्टिंग कैसे होती है, लिस्टिंग के बाद उनका क्या इशू प्रोसेस रहता है, बिफोर इशू जो आईपीओ निकालते हैं उनका प्रोसेस समझना है अपन को, फिर उनकी इशू करने के बाद उनकी अकाउंटिंग को कवर करना है। अगर कंपनी शेयर इशू न करके डिबेंचर्स मतलब पैसा लोन के रूप में लेना चाहती है तो ऐसा का ऐसा डिबेंचर्स होते हैं, तो उन डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। फिर उनके कुछ सम स्पेशल इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करना है। देन अपन मूव ऑन कर जाते हैं कि अब उनकी बैलेंस शीटें बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसमें अपन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके नोट्स, उसकी कैश फ्लो, फिर उसके बाद अपन जो चेंजेस हुए इक्विटीज के अंदर वो यहाँ कवर करने वाले। मेरी बातें आपको स्टार्टिंग में बहुत भारी लगने वाली है, बट मैं मान के चलता हूँ कि आपको इसका पूरा का पूरा माइंड के अंदर एक चार्ट चलना चाहिए कि अपन को कहाँ मूव ऑन करने जाना है, कहाँ ट्वेल्थ के अंदर क्या पढ़ना है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें पढ़नी है तो अपने माइंड सेटअप एकदम फिक्स रहेगा कि इतना ही पढ़ना है, बहुत छोटा है पूरा ट्वेल्थ क्लास, ठीक है ना। फिर उसका एनालिसिस करेंगे, जो बैलेंस शीट बनाई है वो बैलेंस शीट के अंदर जो आपके एसेट है वो सही है या नहीं है, अगर कहेंगे कि एसेट ज़्यादा है कम है उनका एनालिसिस करना है अपनी लाइबिलिटीज के साथ में, वो या अपन कंपरेटिव कॉमन साइज रेशियो ट्रेंड एनालिसिस ये सब चीज़ें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर एथिक्स, हर चीज़ को करने के लिए आपके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, क्या सही गलत का नॉलेज, क्या सही है क्या गलत है, आपके किए कराए से क्या इफेक्ट हो सकते हैं, आपको क्या काम करना चाहिए, वो सब का नॉलेज एथिक्स देता है, मतलब आपका व्यवहारिक नॉलेज। किसके प्रति? अकाउंटिंग के प्रति, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट कंपनी सेक्रेटरी जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके द्वारा क्या चीज़ें मैनेज करके चलना उनको चाहिए, जिससे जो अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स है अकाउंटिंग की जो चीज़ें वो कर रहे हैं उससे लोग प्रभावित ना हो, उनको कोई ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है ना। वो एथिक्स के अंदर अपन पढ़ने को देखेंगे। फिर इसके बाद अपन मूव ऑन करते हैं स्पेशल चैप्टर के अंदर। ये स्पेशल चैप्टर का मतलब ये है कि जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप पहले भी पढ़ सकते हो इनको बाद में भी पढ़ सकते हो। सबसे पहला चैप्टर है तुम्हारा NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल पर्सन अकाउंटिंग, जो आपका 7 मार्क कवर करता है। आप लोग मान के चलेंगे इसके अंदर हॉस्पिटल, क्लब, आपके मंदिर, ऐसी जो सेवा भाव के उद्देश्य से जो चैरिटेबल चीज़ें मैनेज करते हैं, जिनका मोटिव ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट कमाएंगे, वो NPO और प्रोफेशनल अकाउंट्स के अंदर कवर होंगे। सिंपल है, जिसमें पैसा आया कितना, गया कितना, कितना खर्चा और कितना सरप्लस है, कितना डेफिशिएट है, बैलेंस शीट कवर करनी है, वो बहुत सिंपल है। बाकी वो परचेज सेल आप जो पढ़ गया हो 11th में, वो 11th में ही गया। अब या परचेज सेल एक्सपेंसेस इनकम और आपकी कैपिटल की एंट्री नहीं होने वाली, केवल और केवल कुछ स्पेशल चीज़ों की अकाउंटिंग कवर होगी, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, 11th से 12th में आ चुके हो। अब अपन कवर करेंगे इसके बाद जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप कुछ लीगल चीज़ों के साथ चलती है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ भी करना चाहते हो तो आपको जॉइंट वेंचर के अंदर कवर हो जाए। जैसे दो लोग साथ में मिलकर, मैंने बोला कि तू कश्मीर में बैठा वहाँ से सेब बेच दे, फिर मैं यहाँ आकर बेच दूंगा, मैं भी तू अपना 10 लाख लगा दे, यहाँ लाकर मैं बेच दूंगा, और फिर उसके बाद जो भी शेयरिंग होगी वो बांट देंगे, वो पार्टनरशिप हो जाती है। फिर उसके बाद कंसाइनमेंट, जिसमें अपन एजेंट वाली अकाउंटिंग पढ़ेंगे कि मैं ओनर हुआ, मेरा माल एजेंट, मैंने 10-15 एजेंट रख रखे हैं, वो माल बेचते हैं, तो उनके बीच में अकाउंटिंग कैसे मैनेज करनी है, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कवर होने वाली है। अब अपन एक एक चैप्टर को अपन यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैं NPO चैप्टर अगर स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले अपन NPO चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आप चार्ट अपने माइंड के अंदर रखे, जो तुम्हारे बुक्स के अंदर पहले ही चैप्टर पर, पहले ही पेज पर ये दे रखा है, पेज नंबर तुम्हारे स्टार्टिंग में जो मतलब प्रॉस्पेक्टस दे रखा है, प्रस्तावना, इसके भी जस्ट आगे वाले पेज पर 12th की अकाउंट है उसके अंदर दे रखा है। मैं मानता हूँ कि बहुत जनों के पास बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन मैं कुछ ऐसे ही बेसिक टर्म और थ्योरिकल टॉपिक डिस्कस करूँगा NPO के अंदर, जो
बुक्स नहीं होने पर भी आपसे अच्छे से मैनेज हो पाएंगे। यस, तो अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब एक ऑफिशियल तरीके से, फॉर्मल तरीके से अपना स्टार्टअप हो रहा है 12th क्लास का। मैंने आपको पूरा का पूरा स्टार्टअप दे दिया है कि आपको 11th से 12th में मूव ऑन करना है, और उसके बाद 12th में क्या पढ़ने वाले हो, और उसमें जब भी मेरे से पढ़ोगे तो मैं आपको सबसे पहले MPO चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है बहुत सिंपल है, और इससे जो वेटेज है उनका भी बहुत बड़ा बड़ा 7 मार्क का ये चैप्टर आता है एग्जाम में, जिसमें कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद अकाउंटिंग भी जैसे 11th में जो पढ़ गया है वही है, लगभग वो है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लें, तो NPO नाम के अंदर ही आपको लिखा हुआ है NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी मतलब अपन कहते हैं कि ऐसा कोई पर्सन, क्योंकि पर्सन की श्रेणी में आता है, तो NPO के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, पहला नाम तो ये हो गया। फिर उसके बाद अपन देखेंगे सेकंड नाम लिखा हुआ प्रोफेशनल पर्सन, तो प्रोफेशनल पर्सन के अंदर इसने, मैं अगर बोलूँ प्रोफेशनल लोग अपने अकाउंटिंग के अंदर या कॉमर्स लाइन में CA, CMA और CS, ठीक है ना, CFA वगैरह है, तो ये भी प्रोफेशनल्स की श्रेणी में अपन यहाँ कवर करें, उनकी अकाउंटिंग भी यहाँ कवर है। लेकिन तुम्हारे 12th क्लास के अंदर इसका केवल और केवल डिस्कस कर रखा है कि ये टॉपिक भी है, इसके अंदर ही कवर किया जाएगा, लेकिन इसके कोई प्रैक्टिकल सवाल नहीं है और ना ही इसका कोई डिटेल डिस्कशन दे रखा है। फिर अपन देखेंगे कि जो ऐसे कौन से कैरेक्टरिज्म्स ऑफ NPO है जिसके अंदर आप ये स्पेशल चैप्टर के अंदर या मतलब इसकी अलग ही अकाउंटिंग की जाती है। तो देखो सबसे पहला ये कह रहा है कि ये एक सेपरेट एंटिटी है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है 12AA के अंदर, तो उसका सेपरेट एंटिटी है, मतलब ये अलग तरह की अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करती है और ये सेपरेट एंटिटी के रूप में ट्रीट की जाती है, मतलब अलग पर्सन। जैसे 7% के अंदर अपन कहते हैं इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, ट्रस्ट या आर्टिफिशियल पर्सन, वैसा का वैसा है, ट्रस्ट की भी एक अलग एंटिटी पहचान है अपनी। फिर इसके बाद है सोशल वर्क, NPO के अंदर सोशल वर्क के पर्पज से NPO काम करते हैं सारे। देन इसके अंदर जो सोर्स है पैसों का वो सबसे अधिक है, वो है डोनेशन और सब्सक्रिप्शन, जो अपने मेंबर से लेते हैं वो लोग, और डोनेशन किसी भी एक्सटर्नल पर्सन इंटरनल पर्सन दोनों से वो डोनेशन लेते हैं, जिससे अपनी पूरी की पूरी एक्टिविटी मैनेज करते हैं, साथ में वो बहुत सारी अपनी बिजनेस एक्टिविटी भी मैनेज करते हैं, जैसे वो पैसे मतलब इनकम जनरेट करते हैं और एक्सपेंसेस करते हैं। फिर इसके बाद नॉन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो सरप्लस और डेफिशिएंसी के अंदर ट्रीट किया जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसमें मेंबर वगैरह में नहीं होने वाला, जो पैसा कमाया वो उसी के अंदर लगने वाला है। देखो मैं यहाँ केवल ऊपरी टॉपिक डिस्कस करने वाला, डिटेल डिस्कशन या वीडियोज के अंदर पॉसिबल नहीं है, जब फुल लेक्चर रिकॉर्ड होंगे उसके अंदर एक एक टॉपिक पर हम लोग दो तीन मिनट डिस्कशन करेंगे, जिसमें कैसे आपको नाम पढ़ते ही या मतलब NPO नाम देखते ही उसके अंदर कौन सी विशेषता होती है वो सारी याद होने लगती है। मैं केवल ऊपरी जो मतलब ऊपरी चीज़ें होती है उनके बारे में बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आपको ये पढ़ना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है एक इसको मैनेज करने वाले लोग होते हैं जो मैनेजर ट्रस्टी कहलाते हैं, जो पूरी एक्टिविटी को मैनेज करते हैं, या फंड बेसिस अकाउंटिंग चलती है, मतलब अपन हर चीज़ का, जैसे डोनेशन जो आया है उसका कोई स्पेशल डोनेशन है उसका फंड अलग रखेंगे, स्पॉट फंड अलग रखेंगे, मेडिकल फंड अलग रखेंगे, जो मतलब एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है उनके लिए अपन फंड क्रिएट करते हैं, जिसके पैसे जो आते हैं उसी फंड में डाले जाते हैं, उसी फंड से अपन उसका एक्सपेंसेस करते हैं। फिर इसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं अगले जो टॉपिक के अंदर, अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि बिजनेस एक्टिविटी और नॉन बिजनेस एक्टिविटी क्या है और उसको कैसे सेपरेटली अपन बायफर्केट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अकाउंटिंग में अपन क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताऊंगा, कैपिटल इनकम रिसिप्ट के बारे में बताऊंगा, रेवेन्यू चीज़ जिसमें एक्सपेंसेस उसकी इनकम के बारे में, और डिस्कस करके फिर अपन के मूव ऑन कर जाएंगे कि वो स्पेशल एक्सपेंसेस और इनकम जो NPO के अंदर ही होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर अपन ये देखेंगे कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी चीज़ें कवर करने वाले, जिसमें अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट एज ए कैश बुक की तरह वो ट्रीट होगा, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे मैनेज करना है, फिर उसके बाद अपन उसका बैलेंस शीट कैसे क्रिएट करेंगे, देन ये पूरा चैप्टर अपन एक अच्छे से लेवल में कंप्लीट करेंगे, और मान के चलूंगा कि वो चैप्टर आपको 100% आप जा कहीं भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी उस NPO की या हॉस्पिटल आपके क्लब
अगर आप कहीं और कोई क्लब क्लब के अलावा टेंपल की अकाउंटिंग वगैरह कर रहे हो, कोई गौशाला वगैरह होती है उनकी अकाउंटिंग मैनेज कर रहे हो, उन सब की अकाउंटिंग जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी करूँगा तो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। मैं खुद इसी लाइन से सीए लाइन से हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ से भी इन्वॉल्व रहता हूँ, तो उसमें कौन सी चीज़ें रियल प्रैक्टिकल लाइफ में का यूज़ हो सकती है वो भी अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। इसी तरह आप अगर चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेशन में और जो नंबर प्रोवाइड किया जाता है उसमें आप मैसेज करके बता दें कि आप लोग नेक्स्ट सेशन के लिए इंटरेस्टेड है। थैंक यू।